हम पहुंच गए नीचे पानी में और ये इधर नहा रहे हैं भाई। ये पानी ऊपर से आ रहा है, पानी क्रिस्टल क्लियर है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ठीक है ना, रेड निशान ये देखिए लास्ट पे लगा, जब इधर सुई आ जाती है तो फिर गाइड बंद कर देनी चाहिए। ये मैं देखता रहूँगा। इसकी आगे गहराई कितनी है पानी की? गहराई आगे तकरीबन 70-80 फीट तक है। 70-80 फीट तक यहाँ पे तकरीबन ये इस एरिया में 10-12 फीट तक है। इधर से आगे फिर गहराई शुरू हो गई। कलवे के पास पड़े हैं काफ़ी टाइम से। यहाँ जो पानी है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है और ये भाई यहाँ स्विमिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो देखेंगे ये जाके गहराई है पानी की तकरीबन 60-70 फुट, जहाँ ये जाएंगे स्विमिंग करने। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापसी। यहाँ देख लिया हमने कैसे स्विमिंग की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं यहाँ पे, और पानी देख के मज़ा आया। क्रिस्टल क्लियर पानी था। इरफान भी कैसा लगा? ए वन। अभी हम जाएंगे आगे बोटिंग करेंगे, तो दूसरी तरफ जा रहे हैं डैम की। हम पहुँच गए हैं जी खानपुर डैम। यहाँ से ये पानी देते हैं, जा रहे हैं बोटिंग करने। थोड़ी सी हाइकिंग करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे वहां पॉइंट पे जहां पे बोटिंग वगैरह है, पैराग्लाइडिंग हो रही है। तो आपको मैं भी बैक कैमरे से चेक करवाता हूं, इसमें शायद आपको नज़र क्लियर ना आए वो पीछे, तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूं। जी ये जी खानपुर डैम, यहाँ सिर्फ पानी की स्टोरेज है, यहाँ बिजली नहीं बनती, टरबाइन नहीं लगी हुई। ये सिर्फ इस्लामाबाद को पीने के लिए सप्लाई होता है, आगे जाके फिर इसका फिल्टर लगा हुआ है जहाँ से पानी फिल्टर होके जाता है। पानी यहाँ का साफ है, क्रिस्टल है। गाइस अभी हमारे साथ थोड़ा प्रैंक हो गया। अभी हम खानपुर डैम आए तो ये पहले छोटा सा एक पॉइंट है जहाँ बंदे खड़े थे, उन्होंने कहा जी इधर पार्किंग है, आप गाड़ी लगाएं, तो हम आपको आगे बोटिंग भी लेके जाते हैं। थोड़ी हाइकिंग करके गए हैं तो परली तरफ इस पहाड़ी की बैक साइड पे पूरा रिजॉर्ट पॉइंट बना हुआ है। अब मैं वापसी आ रहा हूँ, गाड़ी उधर लेके जाऊँगा। बोटिंग करनी है मुनासिब रेल होगा। इधर पहुँच गए रिजॉर्ट पे खानपुर डैम, बैक साइड में सारा ये व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ से बोटिंग होगी। तो चलते हैं आगे। आखिरी उसने कहा 3,000 रुपये मैं लूँगा पैराग्लाइडिंग का और 1,000 रुपये बोट का। सारा चक्कर सारी ये चक्कर यही है बोले ना कि हमने उनको 3,000। इरफान भाई ने हमारा सौदा करवा दिया। सौदा हो गया है और सौदा खरा है, खरा है और सौदा इको जाए। कभी जा रहे हैं बोटिंग करने और आगे जाके पैराग्लाइड भी करूंगा मैं, बाकी देखेंगे ग्रुप वाले। जी ये सामने पैराग्लाइडिंग हो रही है जो भी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मैं भी करूंगा। खानपुर डैम में अताबाद के अंदर, अताबाद याद आ रहा थे भी आपको? अताबाद के सामने तो ये
सईद भाई थोड़ी स्पीड लगाओ यार इसकी जरा। अंकल कचरे का ये पानी है वो किसी काम पे आ जाएगा इसकी उसकी स्पीड ज्यादा नहीं हो रहा। खानपुर डैम के अंदर बोटिंग हो रही है और आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह पैराग्लाइडिंग। यार इसका गहरा कितना है? 150 फुट है। 150 फुट चेक करना नीचे का चक्कर लगवा ले। वो सामने पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग सेंटर में आके पानी भी साफ हो गया है और यहाँ पे हो रही है पैराग्लाइडिंग। जी बोर्ड से हम उतर चुके हैं और अभी पैराग्लाइड करने के लिए जाएंगे बैक साइड पे वहाँ पे दूसरी तरफ इधर से ये पैराग्लाइड हो रही है तो चलते हैं उस तरफ। सईद भाई चक्कर लगा के वापसी आ रहे हैं। जी अब आबिद भाई जो हैं ये पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। वाइट बैल्ट को दोनों हाथों से नीचे वाले को वाइट सर इसको इसको दोनों हाथों से नीचे खेच ये सर वाइट बैल्ट है। हाँ, बताओ ना इसको दोनों आगे नहीं नीचे जमीन की तरफ ऐसे करना। अभी यहाँ से पकड़े यहाँ से पकड़े और भागना है। चलो भागे आबिद भाई पैराग्लाइडिंग करते हुए। जी आबिद भाई आ गए। आबिद भाई ये कहाँ आ रहे हैं अब मुझे नहीं पता।
देखें जी। आ गए पैराग्लाइडिंग कर रहे ये भाई। गुड, वेल डन, वेल डन, ग्रेट शॉट बॉल। अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं खानपुर डैम से, ड्रिंक को एंजॉय करेंगे और निकलेंगे वापसी। यहाँ से हमारा अगला स्टॉप है ठंडियानी, अब ठंडियानी की तरफ निकलेंगे। गाइस अभी खानपुर डैम से निकल गए हैं वापसी के लिए। खानपुर डैम का विजिट अच्छा रहा, मज़ा आया, हमने बोटिंग को, पैराग्लाइडिंग को एंजॉय किया है। आप अगर इधर आएँ तो पैराग्लाइड लाजमी करें, बहुत मज़ा आता है। आज का ब्लॉग यहीं तक, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।